आज अपन शेजवान फ्राइड राइस बनाएंगे। मैंने 2 बाउल चावल लिए हैं, उसे धो धो लेंगे। अनु इसे धो के दो। इसमें जो अपन सब्जियां यूज करेंगे, शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी, हरा हरा प्याज, अपना रेगुलर प्याज है ये, जो डेली यूज में अपन यूज करते हैं, सेजवान चटनी, ग्रीन चटनी, टमाटो सॉस, चिली टमाटो सॉस, नमक, अदरक एंड लहसुन की पेस्ट है ये, लाल मिर्ची पाउडर एंड हल्दी, ये यूज करेंगे अपन ना। अभी फिर पानी मैंने बॉईल करने रखा है ये, जो जिसमें अपन चावल डालेंगे, उसमें 1 चम्मच मैंने ऑयल डाला है, थोड़ा नींबू डालते हैं। पानी अब अच्छे से बॉइल्ड हुआ है, उसमें अपन चावल डालते हैं। अभी से अभी यहाँ अब राइस डाले थे अपन ने, अब इसे देखते 70% इसे पकाना है। पानी इसका ये निकल जाएगा। कढ़ाई में अपन ने तेल 1 चम्मच तेल लिया है, और इसे अदरक और लहसुन का पेस्ट डालते हैं इसमें। कैप्सिकम, अब इसमें शिमला मिर्च डालते हैं। गाजर डालते हैं, इसमें प्याज भी डालते हैं, इसमें पत्ता को भी डालते हैं। इसे थोड़ी देर होने देते, तो इसे ग्रीन ऑनियन डालते हैं, इसमें हरा प्याज, और इसमें सॉस, ग्रीन चटनी सॉस डालते हैं इसमें। रेड सॉस, रेड चिली सॉस, देन सेजवान चटनी, अब इसको अच्छे से मिला देंगे। थोड़ी गैस मीडियम साइज में रखते हैं गैस को, अच्छे से इसको मिलाते हैं। अब आगे में चावल डालते हैं जो बॉईल किए थे पहले।
चावल को अच्छे से घुमाते सारे सब्जियों में मिक्स करते इसे। अब टेस्ट के अनुसार नमक डालते इसमें। अभी रेडी हो गया, इस पे अपन हरा प्याज डालते हैं। टेस्टी और यम्मी बना है। अभी टेस्टी टेस्टी शेजवान फ्राइड राइस रेडी हो गया है, जो खाने में भी टेस्टी है, दिखने में बहुत सुंदर दिख रहा है। अर्नो फेवरेट डिश।